Our platform number is 7, then we are going to King's Cross, that is in the heart of the London city, and wahan se South Hall. Welcome to London, and इस बार मुझे वाईफाई ट्रेन में मिला जब मैं पहले आ रहा था फ्रॉम माई एयरपोर्ट. तो पता नहीं फॉर सेम सम रीज़न मतलब सेम ट्रेन में वाईफाई नहीं था, तो मैं ढाई घंटे विदाउट वाईफाई रहा, कॉल कुछ भी नहीं कर पाया. मेरे इंडियन सिम कार्ड में 100 rupees बैलेंस था, क्योंकि शहर इतना ज़्यादा महंगा है. मैंने सिर्फ 2 मिनट बात की, वो सिर्फ कार्तिक को कॉल करना था, उसी में ही ख़त्म हो गया. सो किंग्स क्रॉस से वी विल टेक अंडरग्राउंड ट्यूब, दैट इज सेम एज सबवे इन न्यूयॉर्क. वहाँ से लेके हम जाएंगे पैडिंगटन टू अनदर ट्रेन टू साउथ हॉल. ओह माय गॉड, मैं नहीं समझ पाऊंगा, इतना डेंस नेटवर्क है. So London has the oldest and dense network, even complicated as compared to New York. And we have purchased the day pass here, so सबसे सस्ता पड़ेगा because we are exploring South Hall and also London. तो ये पड़ा £24 का. And अगर हम सिर्फ South Hall की return ticket and King's Cross की लेते तो वो already 20 की थी, तो ये सस्ती पड़ी काफ़ी. मैंने यहाँ नोटिस किया है, अगर आप जो डिस्टेंस कवर कर रहे हो वाया कार करो या बाय ट्रेन करो, ऑलमोस्ट सेम टाइम लगता है एज़ कम्पेयर टू इन कैनेडा, क्योंकि वहाँ पे कार से काफ़ी कम टाइम लगता था एज़ कम्पेयर टू बसेज एंड ट्रेन्स. और यहाँ पे है सबसे ओल्डेस्ट नेटवर्क, और सबसे पहले ट्रेन यहीं पर ही आई थी जो मेट्रो ट्रेन है और अंडरग्राउंड ट्यूब, और पर सबसे महंगी भी यहीं पर है अभी. वी हैव रीच बेकर स्ट्रीट, इससे मुझे शर्लॉक होम्स की याद आ गई. 221 बेकर स्ट्रीट, और वहाँ पे अभी भी मतलब जगह बनी है फोटो खींचने की ना. मतलब वहाँ उनका शॉप है पूरा, वहाँ पर एक म्यूजियम, मतलब उसके घर में, उसके घर को म्यूजियम बना दिया है. तो वहाँ पे आप मतलब जा सकते हैं, वहाँ पे कैब पहनाएंगे और आपको फोटो खींचने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी. वो भी फ्री है? वो फ्री है सब कुछ. क्या बात है. तो फाइनली रीच द साउथ हॉल स्टेशन, और आते ही हमने देखा हर जगह फ्रॉम दैट पॉइंट टू दिस पॉइंट हर जगह पंजाबी में लिखा हुआ है. एंड नॉट ओनली दिस, हमने इस रिसर्च की, वी फाउंड आउट दैट द सेकंड मोस्ट लैंग्वेज स्पोकन इन इंग्लैंड इज पॉलिश, बट द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज फॉर इमिग्रेंट्स इज पंजाबी आफ्टर अरेबिक एंड देन हिंदी. आई वॉज सुपर सरप्राइज बाय दैट. अच्छा वो £5 बाल कट रहे हैं बस, और वहाँ केवल का 15, वो इतना सस्ता है यहाँ पे. चीपेस्ट बार्बर शॉप आई एवर सीन. ओह माय गॉड, ये खाना भी काफी सस्ता है एज कम्पेयर टू इन यूएस. £3-4 में एक बंदे का इंडियन खाना आ सकता है, राइट. और आपने कभी यहाँ पे कस्टमाइज नंबर प्लेट देखी है, मतलब जैसे कैनेडा में होती है? देखिए यहाँ पे मैंने एक देखी थी, बॉस लिखा हुआ था, और हमारे खुद के जो टीचर है ना उनका नाम रैज है, तो उनकी गाड़ी का नंबर प्लेट भी रैज है. वाओ, पर मैंने अभी तक फिलहाल कस्टमाइज नंबर प्लेट नहीं देखी, पर अलॉय व्हील जरूर देखे हैं कार्स में. ये आपने बोला, और ये रहे. वाओ, अलॉय व्हील्स की शॉप भी आ गई. ये पूरा एरिया लग ही नहीं रहा कि यूके है. एंड ऑन दैट साइड वी हैव श्री राम मंदिर, एंड उधर है गुरुद्वारा.
सो फाइनली वी केम आउट, पहली बार घर से बाहर गुड़ वाली चाय पीकर बहुत मजा आया. गुरुद्वारा वहाँ पे, गुरुद्वारे के सामने ही टेम्पल है. एंड दिस वॉज अवर फर्स्ट टाइम टू अ राम टेम्पल अब्रॉड. मैं मतलब US कैनेडा वहाँ पे भी मौका नहीं मिला, पर फाइनली UK में मिल गया. हाँ, मजा आया. हाँ, बहुत ज़्यादा. So now we have come to an Indian store in South Hall, and the most exciting thing we found was jelly. इससे बचपन की यादें काफ़ी जुड़ी हुई हैं. एंड अदर देन दैट, यहाँ पे अगरबत्ती, एक एक चीज़ जो मतलब इंडियन स्टोर में मिलती है इंडिया में, वो यहाँ पे है. सो इट्स प्रीटी कूल. गंगा जल ऐसा लग रहा है डिस्टिल्ड वाटर है, आरओ में से निकालना है. इतना क्लीन इतना क्लियर, लिटरली गंगा जल गंगा में भी नहीं है. खुश हो जाएंगे. यहाँ पर हम मैगी देख रहे हैं, मतलब चार, मतलब 10 रुपए वाला पैकेट हमें 1 पाउंड में 4 मिल रहा है, जबकि टेस्को में जो मेन स्टोर है यहाँ पर, जैसे वॉलमार्ट है US में, वहाँ पर हमें कम से कम, नहीं तो 1 पाउंड में खाली 2 पैकेट मिलते हैं. मतलब 50p का एक होता है, यहाँ 25p, मतलब हाफ प्राइस डायरेक्ट. और इंडियन स्टोर पे सस्ता है. मतलब 24 रुपीज़ की मैगी, कैनेडा में 17 की थी और US में 70 की थी, और 50 रुपीज़ जो डिस्काउंटेड है, तो काफ़ी डिफरेंस है. मतलब इन बिटवीन आता है कैनेडा और US की प्राइस में मैगी का. So now we are done with our visit to South Hall and we are going to the heart of the city, London, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बॉलीवुड मूवीज शूट हुई हैं. और मैंने, जब मैंने आना था ना 3 महीने पहले, या मैंने 1 हफ्ते पहले आना था, तब भी मैंने वेदर प्रिडिक्शंस चेक की थी. तब प्रिडिक्शंस में लिखा था कि दोनों दिन हैवी रेन होने वाली है. आज भी सुबह प्रिडिक्शन थी कि 3 बजे रेन होगी, अभी 3 बजने वाले हैं और प्रिडिक्शन चेंज हो गई है कि 6 बजे रेन होगी. तो इसका मतलब है लंदन की लड़कियाँ और लंदन का वेदर दोनों ही अनप्रिडिक्टेबल है, कभी भी छोड़ के जा सकती हैं. तो नाउ वी आर एट द टावर ब्रिज, जहाँ पे छल्ला सॉन्ग की शूटिंग हुई थी फ्रॉम जब तक है जान. और यहाँ पे मैंने देखा कि वो पूरा ब्रिज साल में एक ही बार खुलता है, और कार्तिक ने लकीली विटनेस किया था, बिकॉज देयर इज अ ह्यूज शिप बिहाइंड मी, उसे क्रॉस करने के लिए वो खोलते हैं, और बहुत ही एपिक मोमेंट होती है. और मैं फुटेज कार्तिक से लेके डाल दूंगा. And I also think that the best time to come to London Bridge is 1 hour before sunset, ताकि आप lights भी देख पाओ. And especially if you're coming in winters, then best time would be like 3 PM, क्योंकि यहाँ पे 4 बजे तो अंधेरा हो जाता है. तो अभी मुझे सरदार जी मिले, उन्होंने बताया कि साउथ हॉल में आ गई, लंदन में आ गई, उनकी हिंदी बिगड़ गई, पंजाबी ज़्यादा सही हो गई. इंटरेस्टिंग चीज़ है. So now we have made it to the London Eye. आप उसके ऊपर राइड ले सकते हो, बट दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 27 pounds. एटलांटा का $12 था, पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है. एंड इट्स नॉट वर्थ इट आई थिंक, क्योंकि आपका 1 घंटा आराम से वेस्ट हो जाएगा. आपको लगता है लंडन आई में बैठना वर्थ इट है स्पेंडिंग 45 मिनट्स? 45 नहीं, 2 आवर्स है शायद. 2 आवर्स? 2 आवर्स वर्थ इट लगता? हाँ, अगर आपके पास टाइम हो तो. मगर इतना, और अगर आप लंदन की असली ब्यूटी एंजॉय करना चाहते हो तो हाँ, ऊपर से अच्छा व्यू आता है, बहुत सुंदर, पूरा सिटी दिखता है. तो हाय गाइस, कार्तिक ने कर दी है थोड़ी सी बेवकूफ़ी, उस कारण हम एक सुनसान स्टेशन पहुंच चुके हैं, जहां से ना लेफ्ट ना राइट
कुछ भी नहीं दिख रहा, इतना स्केरी है, मतलब खुद बताओ कैसे यार बहुत स्केरी है। असली में हुआ क्या, हम लोग किंग्स क्रॉस से कैम्ब्रिज जाने वाले थे और हम लोग पहले डायरेक्ट ट्रेन लेने वाले थे, मगर उस डायरेक्ट ट्रेन में हम जैसे ही पहुंचे वहां पर जगह ही नहीं थी बैठने की, तो हमने सोचा कि हम दूसरी ट्रेन लेते हैं। और जब दूसरी ट्रेन लेने गए तो हम मैंने देखा ही नहीं ध्यान से कि उसमें एक स्टॉप था कि अगर हमें कैम्ब्रिज जाना है तो हमें एक स्टॉप लेना था 7H से कैम्ब्रिज के लिए, हमें उतरना था 7H। और जैसे ही हम 7H पहुंचे हम बैठे सोए हुए थे नहीं थे, ये दोनों सोए हुए थे थोड़े थोड़े, तो मैं जैसे ही रुका मैंने देखने के लिए कि मैप में हम कहां पहुंचे, तो मैंने देखा कि हमें स्टॉप लेना है, और जैसे वो स्टॉप वही था, और जैसे ही मैंने बटन खोल मतलब बटन दबाने की कोशिश करी ताकि ट्रेन का दरवाजा खुले तब तो ट्रेन स्टार्ट हो गई। हां वही, और हो गया हमारा पोपट। फिर हम अगले स्टॉप पे उतरे हैं, अब यहां से हम वापस जाएंगे हिचिन, और हिचिन से हम वापस जाएंगे कैम्ब्रिज, और 3 घंटे लग रहे हैं हमें कैम्ब्रिज, जो कि 52 मिनट्स का राइड है। डायरेक्ट ट्रेन हमारे सामने थी पर वो हम नहीं ले पाए क्योंकि स्टैमिना नहीं था खड़े खड़े जाने का, जगह में फंस चुके हैं जहां में एक भी इंसान नहीं दिखाई दे रहा हमारे अलावा। हाँ, हेल्प करने के लिए भी कोई नहीं है, डरावना सा बच्चा है वहां पर एक, मगर कोई नहीं। हमारी दूसरी ट्रेन आ चुकी है जिसमें हमें बैठ के पहले हिचिन जाना पड़ेगा और उसके बाद कैम्ब्रिज। चलो फाइनली हम कैम्ब्रिज पहुंच जाए टाइम पे। हाँ सो जाए। पहले प्लान था हम थोड़ा बहुत खेलेंगे एयर हॉकी, बॉलिंग बड़ी बॉलिंग 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 करेंगे। हम पहुंचेंगे 10 बजे ऐसा लगता है। नहीं नहीं 9 बजे 9 बजे 10 सुबह मेरी फ्लाइट भी है 8:30 बजे। थैंक यू। फाइनली मेड इट टू कैम्ब्रिज आफ्टर 3.5 hours थैंक्स टू कार्तिक। एक घंटे का सफर 3.5 घंटे में, 2 ट्रेन्स बदली, 3-4 स्टेशन्स, मजा आया पर। तो वी फाइनली मेड इट टू होम, एंड आपको लगता होगा कि लंदन इज अ वेरी क्लीन सिटी, पर आज हमने लंदन अच्छे से एक्सप्लोर करके देखा, इट इज एज डर्टी, मतलब लोग कहीं पे भी खंद फेंक जाते हैं। आई वॉज प्रीटी शॉक्ड बाय दैट, पर एटलांटा इतना गंदा नहीं है। मिनिस्टर ब्रिज पे आपने देखा होगा, जहाँ पर जैसे ही हमने एंटर करा वहाँ पर पूरे कैंस एंड देन कोक कैंस एंड एवरीथिंग, इतना गंद डालते लोग के सब कुछ ऐसे गंद फेंका हुआ था।